तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी आप वहां जाकर भी देख सकते हैं तो आंसर है सुनो सुनो वाज अ स्नेल जो सुनो सुनो था वो कौन था एक स्नेल था क्वेश्चन नंबर 2 हु वाज सुनो सुनो विजिटिंग सुनो सुनो किससे मिलने गया था ये भी बहुत इजी आंसर है अपने दोस्तों से जो कि कौन थी आंट्स तो सुनो सुनो वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड आंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड वेयर हिडन जो चीटियां थी वो कहाँ छुप गई थी answer. The ants were under a flower pot. एक गमले के नीचे छुप गई थी. सुनो गेट वेट क्या सुनो सुनो गीला हुआ तो आंसर है नो no. सुनो सुनो डिड वेट सुनो सुनो गीला नहीं हुआ और वो गीला क्यों नहीं हुआ वो बच्चों गीला इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके ऊपर शेल थी और शेल कैसी थी राउंड जो कि अम्ब्रेला की तरह राउंड और काफ़ी ज़्यादा हार्ड इसी वजह से जो सुनो सुनो था जो स्नेल था वो गीला नहीं हुआ ओके सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक लेट्स टॉक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक बच्चों मॉर्निंग वॉक पर जाना बहुत अच्छी बात होती है इसलिए मैं जाती हूँ और अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो आप लोग जाना शुरू कर दीजिए ओके आंसर यस आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक मैं जाती हूँ इसलिए मैंने यस yes लिखा है अगर आप नहीं जाते हैं तो आप नो no लिखेंगे कि नो आई डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक क्वेश्चन नंबर हैव यू एवर सीन इन द गार्डन क्या आपने कभी गार्डन में चीटियों को देखा है कॉमन सी बात है गार्डन हर किसी ने देखा है और चीटियां भी हर किसी ने देखी हैं और गार्डन में चीटियाँ तो बहुत कॉमन सी बात है Yes, be, in the मैंने को में देखा है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि हमारा है लुक एट पिक्चर्स एंड द सेंटेंसेस पिक द राइट वर्ड फ्रॉम अब आपको क्या करना है जो पिक्चर्स दी हुई है उनको देखना है और जो डैशेज दिए हुए हैं उसमें सही सही चीजें आपको फिल करनी रही है जैसा पहला है द कैट इज जम्पिंग डैश द वॉल देखो कैट जो जंप कर रही है वो यहां टच नहीं है वॉल से टच नहीं है वॉल के ऊपर है तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ओवर कि जब भी कोई चीज के आप ऊपर से जंप कर रहे हैं या ऊपर से जा रहे हैं बिना उस चीज को टच किए तो वहां आपका ओवर प्रिपोजिशन आता है सेकेंड में देखो ये इस डब्बे को टच करके उसके अंदर है जो कैट है डब्बे को टच करती हुई डब्बे के अंदर है तो इस वजह से कौन सा प्रिपोजिशन आएगा यहाँ पे आएगा इन प्रिपोजिशन द कैट इज इन बॉक्स अब देखो ये दरवाजा है और कैट कहाँ है दरवाजे के पीछे तो यानी कि बिहाइंड तो कौन सा प्रिपोजिशन आ जाएगा द कैट इज बिहाइंड द डोर यहाँ देखो इसके नीचे है और हमने चैप्टर में भी पढ़ा जो चीटियां कहाँ छुपी हुई थी गमले के नीचे तो नीचे के लिए क्या आ जाएगा अंडर. The cat is under the stool. अब देखो लास्ट वाले में क्या है cat टच की हुई है जो बै सूटकेस है जो बैग है उसको कैट ने क्या किया हुआ है टच किया हुआ है और उसके ऊपर है तो यहाँ आ जाएगा ऑन कंफ्यूज नहीं होना है ओवर और ऑन में ओवर कहाँ लगता है जब आप किसी चीज के ऊपर से जा रहे हो लेकिन विदाउट उसको टच किए ठीक है ठीके? और ऑन लगता है जब आप किसी चीज के ऊपर हों जैसे मान लो अभी कुछ बच्चे जब वीडियो देख रहे हैं तो कुछ बेड बैट पे बैठे होंगे कुछ फ्लोर पे बैठे होंगे कुछ सोफे पे बैठे होंगे तो आप फ्लोर बेड या सोफे आप जिस भी चीज पे बैठे हैं आप उसको टच करके बैठे होंगे है ना तो वहां आ जाएगा ऑन वहीं पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रिवर के ऊपर से चिड़िया उड़ के जा रही है तो रिवर है चिड़िया उसके ऊपर से उड़ के जा रही है लेकिन रिवर को उसने टच नहीं किया हुआ तो वहां पे क्या लग जाएगा ओवर द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रिवर जो बर्ड है वो कहाँ फ्लाई कर रही है रिवर के ऊपर यानी कि ओवर आई होप आप लोगों को समझ आ जाया आ गया होगा अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में यू आर फ्री टू आस्क इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फेन गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए कीप लर्निंग स्टे सेफ थैंक यू